एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांग जनों को निशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन शांति निकेतन पब्लिक स्कूल तेरहा आगरा के स्वामी विवेकानंद सभागार में किया गया। भारत सरकार की एडिप योजना के कुल 237 दिव्यांगजन को लगभग 250 से अधिक सहायक उपकरणों का निशुल्क वितरण किया गया। एडिप योजना के अंतर्गत दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन शांति निकेतन पब्लिक स्कूल तेहरा आगरा के स्वामी विवेकानंद सभागार में किया गया। आगरा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार की एडिप योजना के अंतर्गत निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। भारत सरकार की एडिप योजना के कुल 237 दिव्यांगजन को लगभग 250 से अधिक सहायक उपकरणों का निःशुल्क वितरण किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल, केंद्रीय राज्य मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार एवं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता ने माता सरस्वती के समक्ष दीप जलाकर किया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन कार्यरत भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण एलिम्को द्वारा एवं जिला प्रशासन आगरा एवं शांति निकेतन संस्था के सहयोग से किया गया। कार्यक्रम में संस्थान के निदेशक डॉक्टर अभिषेक कुमार गुप्ता द्वारा समस्त दिव्यांगजन एवं अतिथि गणों का आभार प्रकट किया। बहुत खुशी की बात है कि शांति निकेतन पब्लिक स्कूल के इस प्रांगण में सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा एलिप योजना के तहत दिव्यांग भाई बहनों को कुछ उपकरण जैसे बैसाखी है, ये ट्राई साइकिल है या अन्य कैलिपर्स वगैरह एलिप योजना के द्वारा दिए जा रहे हैं। सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं, प्रमाण पत्र बनाते हैं, इसके बाद दिव्यांग पेंशन है, कृत्रिम अंगों के लिए भी योजना है, इसके अलावा इनकी सर्जरी होती है उसके लिए भी योजना है, विवाह में प्रोत्साहन के लिए राशि होती है, और हमारे दिव्यांग भाई अन्य सामान्य लोगों की तरह 5 किलो गेहूँ चावल भी पाते हैं, शौचालय भी बनते हैं तो इनके भी बनते हैं, आवास बनते हैं तो उसमें ये इंटाइटल होते हैं तो बनते हैं, आयुष्मान कार्ड में भी दिव्यांग भाइयों के ही बनेंगे, नहीं मैंने जो 29 करोड़ बने हैं उसमें दिव्यांग लोगों के ही बने हैं, किसान सम्मान निधि भी ये पाते हैं अगर जमीन होती है। भारत सरकार द्वारा जो है एलिम्को के माध्यम से एडिप योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण उन लोगों को वितरित किए गए दिव्यांगजनों को, इसमें माननीय मंत्री जी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री एसपी सिंह बघेल जी यहाँ मुख्य अतिथि रहे हैं इस कार्यक्रम में, और इसमें करीब 90 व्हीलचेयर और 60 जो है साइकिल्स का उनका डिस्ट्रीब्यूशन का शेड्यूल रहा है आज का, और सभी लाभार्थी इसको ये दिए जा रहे हैं ये इक्विपमेंट्स। जैसा कि मंत्री जी ने अभी कहा कार्यक्रम में कि मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी यदि शिक्षा पर जोर दिया जाए तो मेरा भी यही कहना है, मेरा भी यही मानना था क्योंकि मंत्री जी का भाषण काफ़ी देर तक चला और अच्छा लगा, उन्होंने एजुकेशन पे जोर दिया, एक स्कूल प्रांगण में एजुकेशन पे जोर देना काबिले तारीफ़ है। मैं भी इसमें चंद लाइन ऐड करना चाहूँगा कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने ऊँचे होते हैं, मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपने ऊँचे होते हैं, और मैं शायद भूल रहा हूँ उसको लाइन को, मतलब पंखों से नहीं उड़ान जो है हौसलों से होती है। कार्यक्रम का संचालन संस्थान के प्रवक्ता डॉक्टर हरिओम शर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में एलिम्को भारत सरकार से प्रबंधन श्री प्रकाश सिंह एवं कनिष्ठ विपणन ललित कुमार, एलिम्को आश्रा संचालक देवेंद्र सविता, डॉक्टर मधुपारशर, प्राचार्य शांति निकेतन कॉलेज श्रीमती अनीता चौधरी, समन्वयक स्वाभिमान मुकबधिर एवं मंदबुद्धि संस्था एवं संस्था के प्रशासनिक अधिकारी अंजुल खंडेलवाल बाश संस्था का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। मून न्यूज के लिए प्रमोद उपाध्याय की रिपोर्ट।